हाईकोर्ट की तरफ से, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आज हाईकोर्ट में जो कुछ हुआ, यानी टेक्निकल आधार पर ये कहा गया है कि अब अगली सुनवाई जब 6 फरवरी को होगी तब इस मामले में पूरी तरह से सुनवाई आगे शुरू होगी, यानी टेक्निकल आधार पर अब ये मामला 6 फरवरी के लिए टाल दिया गया, लेकिन प्रेयर को नहीं माना कोर्ट ने, यानी रोक किसी तरह की नहीं लगाई। बिल्कुल सुमेरा, देखिए अहम बात यह थी कि 17 जनवरी को रिसीवर नियुक्त किया गया था निचली अदालत की ओर से, और कायदा ये कहता था कि मुस्लिम पक्ष को यानी कि अंजुमन इंतजामिया समिति को 17 जनवरी के आदेश को चुनौती देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने सीधे 31 जनवरी के आदेश को चुनौती दी जो पूजा अर्चना के अधिकार को लेकर के था, जो व्यास जी के तहखाने पर और उनके कब्जे को लेकर के था। तो इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने ये अपने आदेश में साफ लिखा है कि दोनों पक्षों की सहमति से मामले की सुनवाई 6 फरवरी तक टाली जा रही है और दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगी कोर्ट, क्योंकि इस मामले में सीधे तौर पर जो तकनीकी खामी थी उसको ध्यान में रखते हुए ये आदेश हाईकोर्ट ने किया। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने का आदेश भी हाईकोर्ट ने जारी किया है। अहम बात यह है कि इस मामले में अब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट भी आ सकता है, क्योंकि उसने तत्काल पूजा अर्चना पर रोक लगाने की मांग हाईकोर्ट में की थी, और इससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट भी आए थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ही उन्हें हाईकोर्ट भेजा था। अब जबकि हाईकोर्ट में उन्होंने तकनीकी खामी की है और हाईकोर्ट ने ही एक आदेश जारी किया है, तो ऐसी स्थिति में अगर वो सुप्रीम कोर्ट आते हैं तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये पेंच फंसेगा कि आखिर आपने 31 जनवरी के आदेश को क्यों चुनौती दी, क्यों 17 जनवरी के आदेश को आपने चुनौती नहीं दी, जबकि मामले की शुरुआत निचली अदालत में 17 जनवरी के आदेश से शुरू होती है। जी सुमेरा, सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं लेकिन यहाँ पर भी तकनीकी आधार पर मामला फंस सकता है, हो सकता है अब उन्हें 6 फरवरी तक इंतजार करना पड़े हाईकोर्ट में अगली सुनवाई जब हो तब तक के लिए। लेकिन इस बीच एक और प्रतिक्रिया सुनवा देते हैं ज्ञानवापी तहखाने में पूजा के मामले पर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़े किए हैं, वहीं मुलायम सिंह की बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने इसे समाज की बड़ी जीत बताया है। पुनः शुरू करवाया है, वहाँ पहले से हो रही थी, व्यास परिवार पूजा कर रहा था, उसको रोकना नहीं चाहिए था। कितने साल हो गए, 93 से आप 30 साल हो गए, हाँ, और उसमें मूर्तियाँ कहाँ हैं, कैसे मालूम उनको? तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है भाई। 30 साल के बाद आप ये काम की इजाज़त दे रहे हैं, तो उनका तो एक काम था कि आप उनको 30 दिन का टाइम देते अपील के लिए। आप कहते हैं कि 7 दिन में पूरा निकाल दो, ग्रिल्स निकाल दो और आप इजाज़त दे दिए, तो ये सरासर गलत फैसला है। हिंदू समाज जो है न्यायालय पर पूरा विश्वास करता है, और यह जीत मुझे लगता है पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। और 33 वर्षों से मुझे लगता है हिंदू समाज अपमानित हुआ वहाँ पर, और साक्ष्य को लेकर के जीत हुई है। लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा अर्चना शुरू हुई और जिला कोर्ट की तरफ से इसकी इजाजत दी गई। उससे पहले क्या हुआ वो भी आपको बता देते हैं। इससे पहले एएसआई के सर्वे में ज्ञानवापी में क्या क्या मिला वो आइए जान लेते हैं, और वो हम आपको दिखाते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि एएसआई की जो सर्वे रिपोर्ट दाखिल की गई थी उसमें क्या जानकारी दी गई थी कि क्या कुछ यहाँ पर बरामद किया गया है। मार्बल स्लैब पर श्री लिखा है ये बताया गया था एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि मार्बल स्लैब पर राम लिखा हुआ है, देखिए ये साफ और पर राम लिखा हुआ मिला। इसके अलावा हनुमान की मूर्ति 36 सेंटीमीटर ऊंची, हनुमान जी की मूर्ति भी यहां पर बरामद की गई। इसके अलावा 15 सेंटीमीटर ऊंची श्री कृष्ण की खंडित मूर्ति भी यहां पर पाई गई, और यह भी एएसआई की रिपोर्ट में बताया गया। तो एएसआई की रिपोर्ट में ये तमाम साक्ष्य सामने रखे गए। एएसआई की रिपोर्ट का यह कहना था, साइंटिफिक रिपोर्ट एएसआई की बताती थी कि किस तरह से हनुमान की मूर्ति 21.5 सेंटीमीटर ऊंची यहां पर मौजूद है। यह ज्ञानवापी परिसर का जो एएसआई सर्वे कराया गया था, साइंटिफिक सर्वे, उसमें यह तमाम जानकारियां निकलकर सामने। शिवलिंग की आकृति है जो 6.5 सेंटीमीटर ऊंची है, यह बताया गया एसआई सर्वे में। इसके अलावा यह भी कि विष्णु जी की मूर्ति भी यहां पर मौजूद है जो 27 सेंटीमीटर ऊंची है, गणेश जी की मूर्ति यहां पर मौजूद है जो 12 सेंटीमीटर ऊंची है। तो अलग अलग जानकारियां, अलग अलग आकृतियां यहां पर मिली, मूर्तियां यहां पर मिली, 7 सेंटीमीटर ऊंची खंडित शिवलिंग भी यहां पर मौजूद है, यह बताया गया एसआई के सर्वे में। द्वारपाल की मूर्ति भी 28 सेंटीमीटर ऊंची मौजूद है एसआई के सर्वे ने, यह भी जानकारी सामने रखी। इसके अलावा गणेश जी की 8.5 सेंटीमीटर ऊंची एसआई के सर्वे का कहना था कि वो भी यहां ज्ञानवापी परिसर में मौजूद है। तो ये तमाम जानकारियां एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में निकलकर सामने आई थी।
लेकिन इस बीच एक और जानकारी आपको दे दें, इस वक्त की बड़ी खबर यह कि दूसरे दिन की पूजा पर बोले याचिकाकर्ता सोहन लाल, आज मंगल आरती में भारी भीड़ उमड़ी। हम सबके लिए 31 साल बाद आया है ये गौरवशाली क्षण, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है, ये कहा है सोहन लाल ने। सभी सनातनियों को बधाई देते हैं लक्ष्मी देवी, मंदिर आकर दर्शन करें श्रद्धालु, ये भी कहा लक्ष्मी देवी ने। लक्ष्मी देवी का कहना है कि बड़ी संख्या में लोग आएं और दर्शन करें क्योंकि ये क्षण 31 साल बाद आया है। बहुत ज्यादा उत्साह है। आज माननीय जिला जज डॉक्टर ए के विश्वेश जी के आदेश से जो व्यास जी का तहखाना खोला जिसमें पूजन राग भोग चालू है, आज उसका दूसरा दिन है और दर्शनार्थियों में बहुत ज़्यादा उत्साह है। दिन भर जो है उत्साह रहा, आज प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से ही 3:30 बजे जो मंगल आरती हुई तब से ही दर्शनार्थियों की भीड़ उमड़ी चली चली आ रही है और ख़ासतौर से यह गौरवशाली क्षण, यह खुशी के पल जो 31 साल के बाद आया हुआ है, हम लोग हर्षित हैं, सभी समाज हर्षित है, सभी हिंदू जन हर्षित हैं। अभी तक जो है विश्वनाथ मंदिर के जो अर्चक थे वही पूजा पाठ कर रहे थे, लेकिन आज पूर्ण संभावना है कि विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के अनुसार एक नए पुजारी जो है आज मिल जाएंगे हम हिंदू समाज को जो है। ये हम लोग बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे थे, कम से कम 31 साल के बाद हम लोग को एक खुशी मिली है कि हम लोग को मतलब व्यास जी के तहखाने में दर्शन का मतलब अधिकार मिला है। हम लोग को तो बहुत खुशी है, पूरे सनातनियों को खुशी है, सबको बधाई देते हैं कि आके दर्शन करिए आप लोग, और जैसे हमारा ज्ञानवापी मंदिर है आप मंदिर में आके दर्शन करिए, यही कहेंगे। अभी तक तो जो नियुक्त है, अब आगे मतलब जो ट्रस्ट वाले हैं मतलब विश्वनाथ मंदिर के ट्रस्ट वाले हैं वो तय करेंगे कि कौन पुजारी रहेंगे कौन नहीं रहेंगे। और इस पूरे मामले में अदालत में क्या कुछ चल रहा है, क्या विकल्प अब मुस्लिम पक्ष के पास मौजूद है, इसके बारे में बात करने के लिए सीधे रुख कर लेते हैं। पीयूष पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, तो क्या 6 फरवरी से पहले मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है, क्या विकल्प उनके पास हैं? बिल्कुल सुमारा, देखिए इंटरिम ऑर्डर जो हाईकोर्ट ने जारी किया है उस आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट आ सकता है क्योंकि उसे तत्काल पूजा अर्चना पर रोक चाहिए और यही मांग उनकी हाईकोर्ट में भी थी और इसी मांग को लेकर वो पहले भी सुप्रीम कोर्ट आए थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ही उन्हें हाईकोर्ट भेजा था। तो ऐसी स्थिति में जबकि उन्हें तत्काल पूजा अर्चना पर रोक चाहिए तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। ये संभावना बनती है कि आज ही वो रजिस्ट्रार जनरल से इस मामले में अर्जी पेश करें अपनी और उसके बाद सीजीआई से संपर्क करें और ये सुनवाई अलग तरीके से भी हो सकती है। ये संभावना भी बनती है कि सीजीआई इस मामले पर अपने घर में सुनवाई करें या फिर ऑनलाइन इस मामले पर सुनवाई हो सकती है। तो देखिए उनके पास विकल्प है लेकिन जो पेच बनता है वो सबसे अहम ये है कि उन्होंने जो हाईकोर्ट में चुनौती दी वो 31 जनवरी के आदेश को दी, 17 जनवरी के आदेश को नहीं दी क्योंकि निचली अदालत ने 17 जनवरी को रिसीवर नियुक्त करने का आदेश दिया था। तो ऐसी स्थिति में उन्हें 17 जनवरी के आदेश को चुनौती देनी चाहिए थी और यही वजह थी कि हाईकोर्ट ने इस मामले में उन्हें कोई राहत नहीं देते हुए सीधे तौर पर मामले की सुनवाई को 6 फरवरी तक के लिए टाल दिया। 6 फरवरी को दोपहर 2 बजे से इस मामले पर सुनवाई होगी, तब तक विकल्प है और विकल्प का वो इस्तेमाल कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट का प्रेरोगेटिव है कि वो कब उसकी सुनवाई करें और कितनी जल्दी सुनवाई करें, लेकिन जो तकनीकी आधार वहां पेज फंसा था वही यहां सुप्रीम कोर्ट में भी फंस सकता है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सुमेरा, देखिए अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी पूछेगा कि जब आप हाईकोर्ट गए तो आपने वहां पर 31 जनवरी के ऑर्डर को क्यों चुनौती दी जबकि निचली अदालत ने 17 जनवरी को रिसीवर नियुक्त करने का आदेश दिया था और ऐसी स्थिति में जहां से केस की शुरुआत हुई थी आपने उस पहलू को क्यों नहीं उठाया, सीधे 31 जनवरी के आदेश को क्यों चुनौती दी। और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट भी ये कह सकता है कि आप 6 फरवरी तक इंतजार करें हाईकोर्ट में अगली जो सुनवाई होने वाली है तब तक का। जी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच ये भी बता दें अपने दर्शकों को, एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है, जो अयोध्या में हुआ वो क्या काशी में भी होगा, यानी अयोध्या में जो हुआ वो क्या काशी में होगा? अयोध्या में ज्ञानवापी में देखिए हम आपको बता दें कि अयोध्या में 1528 में बाबर ने राम मंदिर तोड़ा, 1669 में औरंगजेब ने ज्ञानवापी में वाराणसी में मंदिर को तोड़ा, तो क्या वही उसी तरह की टाइमलाइन को अगर हम फॉलो करें और क्या कुछ अयोध्या में हुआ है, किस तरह से वहां पर अब राम मंदिर बना है, तो ज्ञानवापी में भी क्या वो हो सकता है? 1976 में विवादित स्थल का सर्वे कराया गया अयोध्या में, 6 मई 2022 को कोर्ट कमिश्नर का सर्वे कराया गया ज्ञानवापी परिसर में, अप्रैल 2003 में SI ने खुदाई की अयोध्या में
और तमाम साक्ष्य सामने रखे, रिपोर्ट सामने रखी गई। ज्ञानवापी में जुलाई 2023 में एएसआई का सर्वे शुरू कराया गया और एएसआई की सर्वे रिपोर्ट फिर सामने आई। अगस्त 2003 में अयोध्या में सर्वे रिपोर्ट सामने आई थी। ज्ञानवापी मामले में जनवरी 2024 में सर्वे रिपोर्ट सामने आई। मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष मिले, एएसआई की रिपोर्ट ने यह बताया था अयोध्या में तब, और ज्ञानवापी में भी अब जब रिपोर्ट सामने आई जनवरी 2024 में, रिपोर्ट में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है इसके तमाम सबूत सामने रखे गए, तमाम साक्ष्य सामने रखे गए। अयोध्या में बाबरी मस्जिद दूसरी जगह ले जाई गई है व्यास जी के तहखाने में। अब विधिवत पूजा इस वक्त ज्ञानवापी में शुरू हो चुकी है जो 1993 में रोक दी गई थी। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बन चुका है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। हालांकि अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, बाकी पूरा बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन वहां प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। ज्ञानवापी में हर दिन अब 5 बार आरती हो रही है, तो क्या वही होगा बाबा विश्वनाथ, मूल स्थान पर क्या लौटेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सवाल वाराणसी में तमाम जो श्रद्धालु मौजूद हैं, तमाम जो भक्त मौजूद हैं, वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बाबा विश्वनाथ भी अपने मूल स्थान पर लौटेंगे, और ये बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है जिस तरह के हालात अभी बने उसके बाद। लेकिन आपको ये भी बता दें कि TV9 भारतवर्ष के केंद्रीय मंत्री स्वाध्वी निरंजन ज्योति ने क्या कहा, अवैध जमीन पर खुदा इबादत स्वीकार नहीं करता है, उन्होंने कहा। ज्ञानवापी में शंख त्रिशूल विराजमान है, निरंजन ज्योति ने कहा। ज्ञानवापी में देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति हमारे साथ हैं। मैम, जो ज्ञानवापी में तहखाना खुला है उसमें पूजा की शुरुआत हो गई थी, लेकिन आज वहाँ बनारस में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं इसके खिलाफ। देखिए, यदि सच्चे अर्थों में ये भारत में भारत के नागरिक हैं तो न्यायालय की बात माननी चाहिए। राजनीतिक विद्वेष के कारण पूजा बंद करवाई गई थी, मुलायम सिंह ने बंद की थी, उसको माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है कि वहाँ पूजा हो सकती है तो पूजा हो रही है, जहाँ देवी देवता विद्यमान है पूजा वही होती है। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, इनके कुरान में लिखा है कि अवैध जमीन में खुदा इनकी इबादत स्वीकार नहीं करते। यदि मंदिर में जाना इनके लिए इबादत कुरान में इजाजत नहीं है तो वहां तो देवी देवताओं के चित्र विराजमान है, त्रिशूल विराजमान है, शंख वहां विद्यमान है, वहां स्वस्तिक विद्यमान है, देवी देवताओं की मूर्तियां विद्यमान है, तो समझ में नहीं आता है। और मैं तो इतना कहती हूँ कि हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, जो मुलायम सिंह ने रोक लगाई थी उसको पूजा का अधिकार दिया। लेकिन अखिलेश तो करेंगे, इतनी जल्दबाजी क्या थी पूजा शुरू करवाने उनके, उनको वो यही लगेगा अपने पिता के कष्ट पर पश्चाताप नहीं है।